أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم تیسویں پارے سے آغاز کریں گے سورہ نبا. اما یتساءلون, اما استفہامیہ ہے, سوالیہ ہے. یتساءلون کہ وہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یتساءلون کا معنی ہے وہ ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں, پوچھ گچھ کرتے ہیں. سوال کرنے کو فرمایا جاتا ہے. اما کس چیز کے بارے میں, اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں, ایک سوال ہے. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ ہے, یا اللہ تبارک و تعالی پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ کو اس کا علم نہیں. جیسا کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے, موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, تو اس کا پوچھنے کا مطلب یہ نہ تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا. تو اکثر اوقات جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ اس چیز کی دلیل نہیں ہوتی کہ اس کو علم نہیں. بالکل اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے اکثر مقامات پہ سوالات کیے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے, اسی طرح
हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अक्सर हदीस मिलती हैं, सवालात पूछे गए हैं, तो उन सवालात के पूछने का बाज़ ने मतलब ये निकाल दिया कि शायद माज़ल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इलम नहीं था, इसलिए उन्होंने ये सवालात पूछे और फिर उन्हें बताया गया। तो यहाँ पूछा जा रहा है ये लोग किस चीज के मुतालिक एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, कौन से लोग, ये कुफार के बारे में फरमाया गया है, किस चीज के बारे में, अनिन नबा अजीम। फिर उसी से अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब भी इरशाद फरमा दिया, अनिन नबा, नबा कहते हैं खबर को, एक बहुत अजीम खबर के मुतालिक, एक अजीम खबर के मुतालिक ये एक दूसरे से सवाल करते हैं। वो खबर कौन सी है? वो क़यामत के बारे में है और वो लोगों के मरने के बाद उनके जिंदा होने के बारे में है। जब कुरान पाक नाजल हुआ तो जो कुफार मुशरिकीन थे वो इस चीज में आपस में चहमगोइयां करने लगे क्योंकि उनका क़यामत के ऊपर और मरने के बाद दोबारा जिंदा कर किए जाने के ऊपर ईमान नहीं था, तो इसलिए ये कुफार के बारे में ये आयत नाजल हुई है कि वो आपस में एक दूसरे से पूछ गछ कर रहे हैं, तजस्सुस कर रहे हैं। फिर आगे फरमाया कि जिस चीज जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं, यानी कि वो किस चीज के बारे में आपस में सवाल करते हैं, वो एक अजीम खबर है, ये भी अल्लाह ने बता दिया, और जिसमें ये आपस में इख्तलाफ करते हैं, बाज का उसमें कौल कुछ है तो बाज का कुछ है, मुख्तलिफ अकवाल हैं, उनके आपस में ही इख्तलाफ पाया जाता है। तो इस तरह इसी अंदाज में कुरान पाक में और भी आयात पाक मौजूद हैं, जैसे एक जगह फरमाया मा अदरा का मा सिज्जीन, आपको क्या मालूम कि सिज्जीन क्या है, सूरह मुतफ़फ़ीन आयत नंबर 8 के अंदर, और इसी तरह सूरह बलद के अंदर आयत नंबर 12 में वमा अदरा का मल अकबा, और इसी तरह फरमाया वमा अदरा का सूरह, इसमें सूरह कदर के बारे में, शब कदर के बारे में, मा अदरा का मा लैलतुल कदर, आपको क्या इदराक है लैलतुल कदर क्या है, और यहाँ सूरह बलद में उकबा के बारे में, उकबा एक घाटी है, उसके बारे में फरमाया गया कि आपको इसका क्या इदराक है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जिसके बारे में वो इख्तलाफ करते हैं, कल्ला सयालमून, हरगिज नहीं, ये अनकरीब जान लेंगे, अभी ये जिस चीज के बारे में शक रखते हैं, इख्तलाफ करते हैं, अनकरीब ये इसे जान जाएंगे, सुम्मा कल्ला सयालमून, फिर हरगिज नहीं, दोबारा तलकीन के साथ, जब किसी चीज पे कहीं पे कुरान पाक में जोर दिया जाता है, तलकीन की जाती है, तो वहां पे ये सुम्मा
के साथ उसको दोबारा दोहराया जाता है। और इसी तरह सूरह तकासुर के अंदर भी ये चीज देखने में आती है। हरगिज नहीं ये अनकरीब जान जाएंगे, फिर हरगिज नहीं ये अनकरीब जान जाएंगे, जरूर जान जाएंगे। अब इसके अंदर तीन मुख्तलिफ अकवाल पाए जाते हैं। मुजाहिद ने यहाँ पे जामिउल बयान के अंदर लिखा है कि नबाउल अजीम से मुराद कुरान है। जाहिर है सबसे अजीम जो खबरें देने वाला कलाम है वो कुरान पाक है। कुरान पाक के अंदर वो इख्तलाफ करते हैं, वो उसमें शक करते हैं। इसमें जो बड़ी बड़ी खबरें दी गई हैं कियामत के बारे में, और मुर्दा जब दोबारा उठाया जाएगा उसके बारे में। दूसरा कौल है जजाज ने लिखा, ये आइमा मुहद्दिसीन है, कि इससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत है, कि जब आका अलैहिस्सलाम मुबारक को मबऊथ फरमाया गया तो ये पूछने लगे ये क्या नया पैगाम लाए हैं। वापस में एक दूसरे के साथ ताज्जुब करने लगे। सूरह काफ में आयत नंबर 2 में अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, बल्कि उनको इस पर ताज्जुब हुआ कि उन्हीं में से एक डर सुनाने वाला आ गया। अब ये अक्सर जगह पे इसका तर्जमा डराने वाला लिखा है, तो ये डराने वाला नहीं, आका अलैहिस्सलाम मुबारक की शान के लायक इसका तर्जमा बनता। यहाँ है डर सुनाने वाला, डराने वाले का मानी और सेंस में भी जाता है जो कि अदना है। पस काफरों ने कहा यह तो बहुत अजीब बात है। जब आका अलैहिस्सलाम मुबारक ने उनको तौहीद का पैगाम सुनाया तो वो उस पे ताज्जुब करने लगे। सूरह सुआद में आयत नंबर 5 के अंदर फरमाया, क्या उसने इतने बहुत माबूदों को एक मुस्तहिक इबादत बना दिया है, बेशक ये बहुत ताज्जुब की बात है। ये मुशरिकीन ने मक्का, उन्होंने इस बात पे ताज्जुब किया। तो ये दूसरा कौल है। और तीसरा कौल कि वो कियामत और लोगों के दोबारा जिंदा होने के मुतालिक सवाल करते थे। कतादा ने यहाँ तफसीर में कहा कि इससे मुराद मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाना है। तो ये तीन अकवाल, इनकी सेंस तकरीबन एक ही बनती है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि ये जान जाएंगे, अनकरीब जान जाएंगे, जरूर जान जाएंगे। और ये जो तीसरा है कयामत के बारे में और दोबारा जिंदा किए जाने के बारे में, तो एक जगह अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह हामिम सजदा के अंदर आयत नंबर 50 में, मुशरिकीन का ही कौल कि मेरा ये गुमान नहीं है कि कयामत कायम होगी, और अगर मैं अपने रब के पास लौटाया भी गया तो यकीनन मेरे लिए इसके पास उसके पास अच्छा इनाम होगा। ये ऐसे ही है कि कोई बंदा खुद से खुशफहम होके बैठ जाए और खुद से गुमान करने लग जाए। तो गुमान पे कौन सा किसी की कोई पाबंदी है, इंसान जो चाहे सोच ले, लेकिन हकीकत हाल तो रब बेहतर जानता है कि क्या होगा। इसी तरह जो दहरिये हैं उनका अकीदा सूरह
सूरह मोमिनून में आयत नंबर 37 के अंदर बयान होता है कि हमारी सिर्फ यही दुनिया की जिंदगी है, हम मरते हैं और जीते हैं और हमें दोबारा जिंदा करके नहीं उठाया जाएगा, और अल्लाह ताला हमें मुआफ फरमाए। आज के दौर में ऐसे भी लोग हमारे मुसलमानों में भी मौजूद हैं जो इस चीज के बारे में बाज़ औक़ात ना चाहते हुए बड़े अजीबोगरीब मजाक बना लेते हैं, और अक्सर औक़ात इन बातों को लतीफों की शक्ल में भी पेश किया गया, जबकि इससे डरना चाहिए। जैसे कि इसकी मिसाल है, एक ये है, ये भी सुनने में आया कि जी क्या होगा, एक दफा जल के भस्म हो जाएंगे तो फिर खत्म हो जाएंगे, फिर तो कोई मसला नहीं है। या बाज कहते हैं कि क्या होगा, दुनिया से तंग आ गए हैं, बस एक दफा मर गए तो काम खत्म हो जाएगा। तो हमारे मुख्तलिफ किस्म के इसके मुतालिक आरा हैं, मुख्तलिफ किस्म के गुमान हैं। हम समझते हैं कि मौत के बाद मामला खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई, सिमट गया सब कुछ, जबकि जिंदगी का हकीकी आगाज ही मौत के बाद होना है। मौत तक तो सिर्फ एक ट्रायल है, असल जिंदगी का आगाज ही आलमे बरजुख के अंदर, असल जिंदगी का आगाज वहां से होना है, जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है। और अल्लाह फरमाता है बास वो जो हमेशा जन्नत में रहेंगे और बास जो है वो हमेशा दोजख में रहेंगे, ना खत्म होने वाली जिंदगी है। तो हमें चाहिए कि हम ना खत्म होने वाली हमेशा की जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचो विचार करें, ज्यादा प्लानिंग करें, ना कि उस जिंदगी के बारे में कि जो चंद रोजा है जिसने खत्म हो जाना है। तो क्यामत कायम होगी, मौत के बाद दोबारा उठाया जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से एक मरतबा अर्ज की, कुरान पाक में ये भी आयत मौजूद है कि अल्लाह मुझे दिखा कि तू मुर्दे कैसे जिंदा करता है। अब यहां पे भी इस कौल से ये हरगिज मुराद नहीं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं था, तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी फरमान, कोई कौल है तो सिर्फ उसके जाहरी जाहरी मफहूम और मतलब को ना देखो, उसके सियाक व सबाक को देखो, उसके उस वक्त को देखो, उसकी मसलहत को देखो। इसी वजह से जो मुनाफिकीन है अक्सर औकात वो आका अलैहिस्सलाम मुबारक के बारे में गलत किस्म के अकायद गाड़ लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ जाहरी जाहरी अकवाल पे, जाहरी मामलात पे जाते हैं, ये नहीं देखते कि ये बात किस जगह पे, किसके लिए, क्यों फरमाई गई, क्या इसके अंदर मसलहत थी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह मुझे दिखा तो मुर्दे कैसे जिंदा करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया चार परिंदे ले आओ। तफसीर के अंदर मुफसल उसका जिक्र है, इंशाल्लाह जब वो आयत आएगी हम उसे पढ़ेंगे। तो चार परिंदों को लाया, उनका मुकम्मल कीमा बना दिया, उन्हें मिक्स कर दिया, और उनकी जो सीढ़ियां थी वो अपने हाथ में रख ली अल्लाह के हुक्म से, और उन्हें मुख्तलिफ पहाड़ की चोटियों पे जाके रख दिया। तो अल्लाह ने फरमाया अब उन्हें आवाज दो, बुलाओ, उनके नामों से पुकारा, तो वो सारी हड्डियां, गोश्त पोश्त दोबारा से वो पैचअप हो गई, दोबारा मिल गई। अब यहां पे आके साइंस एंड हो जाती, यहां पे अकल खत्म हो जाती है। वो रब ही क्या जो अकल में आ जाए, वो कुन फरमाए तो हर शय हो जाती है।
तो वो बिल्कुल सही सलामत दोबारा से वो मुर्दे जिंदा हो गए, परिंदे अपनी असली हालत में सामने आ गए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साथ ये भी अर्ज किया, ताकि मुझे कल्बी इत्मनान, कल्बी यकीन हासिल हो जाए। यकीन तो था, एक यकीन जाहिर होता है कि यकीन बातन होता है। यकीन के तीन दर्जे हैं। यहां भी जो फरमाया और सूरह तकासुर के अंदर भी इसरार के साथ कि तुम यकीनन जान जाओगे और फिर तुम यकीनन जान जाओगे। और सूरह तकासुर में भी इसी तरह ही है, कल्ला सौफ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। तो इससे कल्ला लौ तअलमून इल्म अल यकीन लतरवुन्न अल जहीम थुम्मा लतरवुन्नहा आइन अल यकीन। यकीन के तीन दर्जे, इल्म अल यकीन, ऐन अल यकीन, हक अल यकीन। इसका राहे बातन में अल्लाह तबारक व ताला के कुर्ब के रस्ते के अंदर सूफिया इकराम के नजदीक ये तीन दर्जे इंतहाई अहमियत के हामिल है। एक शख्स है जिसने किसी चीज के बारे में सुना और यकीन कर लिया, जैसे इसकी मिसाल यूं है कि किसी को बताया गया कि फलां जगह आग लग गई है, उसने सुना और उसकी बात पे यकीन कर लिया कि हाँ वाकई आग लग गई होगी। ये यकीन का पहला दर्जा है, इसमें अभी वो पुख्तगी, वो लेवल नहीं आया। फिर वो जब आगे बढ़ा तो उसने पहाड़ की ओट से या जंगल में धुआं उठता हुआ देखा, या करीब जाके आग को देख लिया, अभी देखा ही है, तो उसने यकीन कर लिया कि हाँ वाकयातन आग लगी है। ये है देखकर यकीन करना। लेकिन अभी भी एक दर्जा बाकी है। अब वो आग के करीब गया, किसी चीज को जला के देखा या आग की तपिश को महसूस किया, तो उसे हक्कुल यकीन हासिल हो गया, किसी चीज को पाकर उसका यकीन कर लेना। जैसे हमने सुना है कि मौत आनी है, हमने उस पर यकीन कर लिया है। मौत आनी है, हर एक को पता है मौत आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर नफ्स पे ने मौत का जायका चखना है। यकीन कर लिया। अब जिसने सिर्फ ये बात सुन के कुरान पाक में पढ़ के यकीन कर लिया, उसे इल्मुल यकीन हासिल हो गया, वाकयातन यकीन कर लिया। फिर किसी को मरते हुए देखा अपनी आंखों के सामने, तो देख के यकीन कर लिया कि हाँ वाकई ही मौत आती है, इस तरह आती है, बंदा मर जाता है। और फिर जब वो खुद मरेगा, कब्र में जाएगा, तो फिर उसे हक्कुल यकीन हासिल हो जाएगा। लेकिन तब तक मामला तजावज कर चुका होता है, या यूं कह लें कि अगर किसी ने मौत, हम अक्सर कहते हैं कि फलां बंदा मौत के मुंह से निकल के आया है, यानी कि उसने मौत की सी कैफियत को चख लिया,
तो उसे हकुल यकीन का कुछ हिस्सा हासिल हो गया। अब ये अहमियत के हामल किस तरह है कि जिस कदर ज्यादा यकीन होगा उसी कदर वो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, परहेजगार होगा, नेकोकार होगा, उसी कदर ज्यादा अमल करने वाला होगा। आका अलैहिस्सलाम मुबारक ने फरमाया, महफूम है कि अगर जो हैवानात हैं, जानवरों को मौत के बारे में खबर नहीं दी गई, अगर इन्हें मौत की खबर दे दी जाती तो तुम्हें ना इनसे दूध मिलता ना ही गोश्त पोश्त मिलता। कि ये मौत की खबर सुन के ही, जान के ही कि मौत आनी है, ये सड़ जाते, गल जाते, सूख जाते अल्लाह के खौफ से, मौत के डर से। मौत की खबर जिन्नो इंस को दी गई, लेकिन ये खबर होने के बावजूद ताज्जुब है इंसान तुझ पे कि तू इतना नडर है। जबकि रोजाना मौत की सी कैफियत भी होती है नींद की सूरत में। नींद मौत की बहन करार दी जाती है। अगर हमें सिर्फ मौत पे यकीन आ जाए, जिस तरह यकीन करने का हक है कि हमने मरना है। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूं और एक बहुत बड़ा नुस्खा बताने जा रहा हूं, अगर हम इस पे अमल कर जाएं तो। पूछा जाता है कि हम ख्वाहिशात-ए नफसानी से कैसे बचे, हम गुनाहों की जिंदगी से कैसे बचे, नाफरमानी से कैसे बचे, हम नेक कैसे बने, दिल से दुनिया कैसे निकले। तो इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है और उसका इसका नुस्खा करीम आका अलैहिस्सलाम मुबारक ने हमें अता फरमाया है। और वो क्या है? फरमाया, नफ्स की लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। नफ्स की लज्जतों को खत्म करने वाली मौत, तो बता दिया कि मौत जो है वो नफ्स की लज्जतों को खत्म कर देगी, सारे जायके खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे जब मौत आएगी। और अगर कोई, एक हदीसे पाक में आता है, मौत तो कबल अंत मौत, मरने से पहले मर जाओ, अगर कोई मरने से पहले मर जाए, इससे मुराद क्या है कि खुद पे मौत की सी कैफियत तारी कर ले, मौत का यकीन कर ले कि मैंने मरना है, ये जिंदगी आरजी है, यकीन हो जाए उसको मरने का। यानी कि नफ्स की ख्वाहिशों को मार ले। ख्वाहिशों को मार लेने से ये भी मुराद नहीं कि वो खाना पीना छोड़ दे, नहीं, जिन लज्जतों में, जिन अय्याशियों में वो पड़ा हुआ है, ख्वाहिशों में वो गुम है, उनको मार ले, उनको जिबा कर दे। तो ये कैसे मुमकिन है? जब हम मौत को कसरत से याद करते हैं, इमेजिनेशन। कुछ अरसा पहले मेरा एक सेशन भी था इसी चीज पे, पावर ऑफ थॉट्स के ऊपर। उस जो सेशन उन लोगों ने सुना है वो इस चीज को ज्यादा बेहतर जान समझ सकते हैं। इमेजिनेशन बड़ी पावरफुल होती है। जिस तरह की हम इमेजिनेशन अपने ऊपर गालिब कर लेते हैं, हमारे हालात और वाकयात, हमारी कैफियात उसी अंदाज में ढल जाती है। और अगर कोई शख्स हर वक्त मौत को याद रखे कि मैंने मरना है,
मैंने तो मार ही जाना है, क्या करूं मैं इतनी दौलत इकट्ठी करके, मैंने तो मार ही जाना है, क्या करूं मैं इतना पेट भर भर के खाऊं। जब उसे मरने का यकीन हो जाता है, वो कभी तमा नहीं करता, हिरस नहीं करता, वो बदअमालियों से बचने लग जाता है। सूफिया इकराम के नजदीक एक मुराकबा मशहूर है जिसे मुराकबा मौत कहा जाता है, और ये मुराकबा करने वाला शख्स इंतहाई परहेजगार बन जाता है। और वो मुराकबा यही है हदीस के मुताबिक कि मौत को कसरत से याद करो। वो याद करना यूं नहीं है कि बंदा तस्बीह पकड़ ले और पढ़ना शुरू कर दे मौत मौत मौत, या मैंने मरना है मैंने मरना है मैंने मरना है, नहीं, बल्कि हर हाल में हर वक्त खुद पे ये कैफियत तारी रखे, खुद को ये याद दिलाई रखे कि मैंने मर जाना है। और यकीन जाने ये एक अंदाज में, अगर आप इसको पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके जाएं, तो ये मौत हदीसे पाक में भी है, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। डेथ इज अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर यू, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है आपके लिए। किस तरह? आप मसाइब का शिकार हैं, आजमाइशों का शिकार हैं, या किसी बीमारी में मुबतला हैं, किसी तंगी में मुबतला हैं, या अगर कोई तंग दस्त है, तो वो अगर ये सोच ले कि ये दुनिया आरजी है, मैंने तुम्हारी जाना है, तो वो मौत का इंतजार करता है। मौत, और दूसरी तरफ अहले मोहब्बत जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले हैं, वो भी मौत का इंतजार करते हैं, वो इस दुनिया से बेजार है, दुनिया से जाना चाहते हैं। इसी तरह जो तंग दस्त है, तो फिर उनका ध्यान अपनी इस आरजी मसाइब का शिकार जिंदगी के ऊपर नहीं रहता, क्योंकि वो जान जाते हैं ये चंद रोज की जिंदगी है, कोई मसला नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अय्याज से कहा कि मेरी अंगूठी में एक ऐसा जुमला नक्श करवा दो कि मैं अगर गम की हालत में उसे पढूं तो मैं खुश हो जाऊं, और खुशी की हालत में पढूं तो गमगीन हो जाऊं, ताकि मैं अल्लाह को ना भूलूं, हर वक्त हर हाल में याद रखूं। तो उन्होंने क्या जुमला नक्श करवाया अंगूठी में, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बहुत बड़ा सबक है इस जुमले के अंदर। तो आप सुल्तान ने उसको फिर बड़े इनामो इकराम से नवाजा कि अगर कोई बंदा मुश्किल में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, वो याद कर ले ये वक्त भी गुजर जाएगा, और मुस्कुरा दे, खुश हो जाए। और अगर कोई किसी के ऊपर बहुत ज्यादा इनामो इकराम हो रहे हैं, वो बड़ी ऐशो इशरत में है, तो वो भी याद कर ले ये वक्त भी गुजर जाएगा, आखिर मौत है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं नसीहत के लिए मौत ही काफी है, मौत से बड़ी कोई नसीहत नहीं, मौत से बड़ी कोई नसीहत नहीं, समझ वाले के लिए यही काफी है। तो एक तो हम कोशिश करें प्रैक्टिकली तौर पे आज से, क्योंकि ये बी द चेंज के प्लेटफॉर्म से ये सारा कुछ हो रहा है, तो हमने अपने अंदर चेंज भी लाना है इंशाल्लाह। आज से हम अपने ऊपर मौत की सी कैफियत तारी करने की, मरने से पहले मर जाने की कोशिश में लग जाएं। वो ये नहीं होगा कि हम दुनिया को छोड़ बैठेंगे, नहीं, लेकिन हम हर उस चीज को छोड़ देंगे
कि जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंदीदा है, क्योंकि हमें ये यकीन हो जाएगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तो जब मरने पे यकीन आ जाएगा, हम कभी जखीरा अंदोजी नहीं करेंगे। हम किसी चीज के खो जाने पे, अगर मौत ना होती, मैंने जैसे अर्ज की ना, मौत मोमिन के लिए तोहफा है, बड़ी अंदाज में मोमिन के लिए ये तोहफा है, बड़े लिहाज से। कुछ मिसालें मैंने दी हैं, एक और मेरे जहन में आ रही कि जब हमारा कोई करीबी फोत हो जाता है, बड़ा प्यारा, बड़ा अजीज, तो हमें एक बात सबर दिलाती है, और वो क्या है कि कोई बात नहीं, हमने भी मरना है अन करीब, हम उससे जा मिलेंगे, हमारा वहां उससे मिलन हो जाएगा। फिर हमें मौत ही तसल्ली दिलाती है, तो मौत तोहफा है। तो किसी हाल में इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी चंद रोजा है, अगर मुश्किलात से भरी हुई है तो आगे जन्नत भी है। हदीसे पाक में है, मौत ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफर की जन्नत है, मोमिन की जन्नत तो आगे है। तो इसलिए आज से कोशिश करें, अपना ये वजीफा जुबान से पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खुद पे तारी करने के लिए ये शुरू कर दें, और जिस किसी पे भी आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ये लागू होगा, ये असर करता है, हर एक पे असर करता है। कोई थोड़ा सा भी इस पे कोशिश करके देख ले कि मैंने मरना है, आखिर मौत है, वो जान जाए आखिर मौत है, बार बार खुद को रिमाइंड करवाए आखिर मौत है, आखिर मारी जाना है। वो फिर कभी भी लंबी उम्मीदें नहीं लगाता, इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, लंबी उम्मीदों से परहेज करो। तो वो कैसे लंबी उम्मीदें, कैसे प्लानिंग करेगा कि मैं 2 साल बाद मैं इतना आलीशान घर बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं गाड़ी लूंगा, उसके बाद मैं बीवी बच्चों के साथ कहीं टूर पे जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर फलां करूंगा, और जब मौत उसे याद आ जाएगी इन सारी चीजों पे फुल स्टॉप लग जाएगा, वो कहेगा नहीं, पता नहीं कितना जीना है कितना नहीं जीना। तो मैं इतने बड़े बड़े आलीशान घर क्यों, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमाइन इस तरफ रागब नहीं हुए दुनिया की तरफ, इसी वजह से, उन्हें मौत पे यकीन आ गया था, उन्हें आखरत पे यकीन आ गया था, वो जो कुछ पास होता था अल्लाह की राह में लुटा देते थे, वो हर शय अल्लाह की राह में लुटा देते थे, सिर्फ इसी वजह से कि उन्हें मौत पे यकीन हो गया था। तो जिस जिसको भी मौत पे यकीन आ जाता है, यकीन जाने दुनिया उसके दिल से ऐसे झड़ती है जैसे खजां में दरख्त से पत्ते झड़ते हैं, फिर उसका दिल दुनिया में नहीं लगता, क्योंकि वो इस दुनिया को हर वक्त फिर आरजी समझता है, फानी समझता है, कुल्लू मन अलैहा फान, हर शय को फना है। तो ये आज से इंशाल्लाह कोशिश करें, हमने मुराकबा मौत, इसे यूं कह लें, हमने मुराकबा मौत करना है, और फिर आज आप इसकी कोशिश करें, कल परसों 1-2 दिन में फिर इसका फीडबैक भी दें कि इस मुराकबा को करने से आपके अंदर, आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया, हर कोई करे, और फिर इसका फीडबैक आप एडमिन्स के जरिए जो ग्रुप्स के हैं उनको पेश करें, ताकि ये दूसरों के लिए मोटिवेशन बने कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करने से आपकी लाइफ के अंदर क्या तब्दीली आई है, कि जब आपने इस बात का यकीन करना शुरू किया कि मैंने मर जाना है, आखिर मौत है,
फिर आगे फरमाया, अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, क्या हमने जमीन को क्याम और कस्बो अमल की जगह नहीं बनाया? जमीन को अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हम पे इनायत है, नेमत है, इस जमीन को अल्लाह ने हमारे कयाम की जगह बनाया है। कसब की जगह बनाया है, अमल की जगह बनाया है। इस जमीन में हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म के इनामात रखे हैं हमारे रहने के लिए। जब आदम ने इस्लाम इस जमीन में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं था। वो अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए फिर बारिश बरसाई, फिर उसी जमीन से बेशुमार किस्म का अनाज, सब्जियां, फल, हर शेय वो बाहर आया। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को उभार कर खड़ा किया। आप अक्सर देखते हैं जब कहीं किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो एक दफा सर उठा के देखते हैं और सुभान अल्लाह कहते हैं कि ओ माशाल्लाह, कितना आलीशान, कितना बड़ा पहाड़ है। बेशुमार जगह पे कुरान पाक के अंदर अर्द का लफज आएगा, जहां भी आए उसका मानी जमीन है। समावात व समा, उससे मुराद आसमान है, और जिबाल से मुराद है पहाड़, जबल। वल जिबाल, वा और जिबाल और पहाड़। औतादा, औताद वतद की जमा है, उसका मानी है मेख और कील, मजबूत। यानी पहाड़ों को मेहे बनाया जमीन की, जमीन की मजबूती के लिए पहाड़ बनाए गए। और ये औताद का लफज हदीसे पाक में भी आता है। औताद सूफिया इकराम रिजवान, सूफिया इकराम ने इसको जिक्र किया है, काबरीन ने, अलिया अल्लाह ने, औताद और अब्दाल, अब्दाल का जिक्र भी है हदीस पाक में। औताद एक दर्जा है, वलायत भी है। हजरत अबू सईद हर्राज से ये सवाल किया गया कि औताद और अब्दाल में कौन अफजल है? हर वक्त जमीन में चार औताद होते हैं और 40 अब्दाल होते हैं। चार औताद हैं तो पूछा गया औताद अफजल है या अब्दाल अफजल है, तो आपने फरमाया औताद अफजल है। साहिल ने पूछा वो कैसे, तो आप फरमाने लगे कि अब्दाल जो है वो एक हाल से दूसरे हाल की तरफ पलटते रहते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा या खुद भी ये चीज एक्सपेरिमेंट की होगी, कभी कैफियत अरूज पे होती है, कभी जरा कम होती है, उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ आपकी कैफियत में आता रहता है। तो उसी नजरिए से अब्दाल के बारे में फरमाया जा रहा है कि वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम में बदलते रहते हैं, और औताद जो है वो इंतहाई बड़े मर्तबे पे पहुंचे होते हैं, अपने मुकाम से नहीं हटते, उस पे कायम रहते हैं। जैसे किसी जगह पे मेघ को गाड़ दिया जाए तो वो उसमें कायम हो जाए, जिनकी वजह से मखलूक का निजाम और कवायम कवाम जो है वो कायम है। इब्ने अता ने कहा औताद ही अहले इस्तकामत और अहले सिद्क है,
इनके अहवाल में मुतगैर नहीं होते और वो मुकाम तमकीन पर फायज है। ये सूफिज्म की टर्मिनोलॉजीज है। रूहुल बयान तफसीर के अंदर इसका जिक्र है। अल्लाह तबारक व ताला ने जो ये कायनात बनाई है, ये दुनिया पूरी, इसका एक रूहानी सिस्टम भी है इसको चलाने वाला, और उसका सारा जिक्र अहादीस पाक में मौजूद है। अब्दाल, औतात, गौस, कुतब, और आका अलैहिस्सलाम मुबारक ने फरमाया इन औलिया अल्लाह की वजह से ये सिस्टम कायम है। अल्लाह ने इनकी ड्यूटियां लगाई हुई हैं, इनके जरिए बारिशें बरसाई जाती हैं, इनकी वजह से रिजक तुम लोगों को दिया जाता है। ये जगह जगह मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों पे ये अल्लाह की राह में निकले हुओं की रहनुमाई करते हैं। तो इस दुनिया को चलाने के लिए जिस तरह एक जाहरी सिस्टम है, उसी तरह एक बातनी सिस्टम भी कार फरमा है, अमल कर रहा है, जो अहले इरफान इस चीज से बेहतर वाकिफ है, या जो कोई इस रास्ते में कदम रखता है और आगे बढ़ता है तो उस पे ये राज, ये इसरार खुलते हैं। एक दुनिया जाहिर की दुनिया है जिसे हम देख सकते हैं, और एक बातन की दुनिया भी है, रूहानियत की दुनिया भी है, अरवाह की दुनिया भी है। फिर फरमाया वखलकनाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया। अजवाज या जोज, इसमें इसका कई जगहों पे मैंने बीवी भी है कुरान पाक के अंदर। अल्लाह तबारक व ताला ने हर शय को जुफ्त पैदा किया है, जोड़ा जोड़ा पैदा किया है रोगे नस्ल के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए। यह भी उसकी एक बड़ी अता है, बड़ी नेमत है। वजअलना नौमकुम सुबाता, एक बहुत बड़ी नेमत जो हमारी जिंदगियों में है, और हमने तुम्हारी नींद को राहत बनाया। और ये नेमत ऐसी है और ऐसी मुफ्त नेमत है जो अमीर को भी हासिल है, गरीब को भी हासिल। ऐसा नहीं कि किसी को है, किसी का मर्तबा ज्यादा है तो उसको है, किसी को नहीं है, ये हर एक के लिए बराबर है। अलबत्ता ये किसी को आती है, किसी को गोलियां खा के लानी पड़ती है। आती उन्हीं को है सुकून की नींद, जिनके दिल खुद भी सुकून में हो और जिनकी वजह से दूसरों के दिल सुकून में हो, या जिनके दिल जिक्र से मामूर हो। क्यों? अला बिज़िक्र इल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से है। उनको बड़ी राहत की नींद आती है, वो चंद लम्हे भी कुछ देर के लिए ये भी सो जाएं तो उनको बड़ी अच्छी नींद आती है। अच्छा, मैंने गालबन फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक बात बताई थी आपको बरकत के हवाले से, ये नींद की बात की तो मुझे याद आई है कि मैंने कहा था कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखें बरकत के हवाले से, कि अगर हम कभी लेट सोएं और इस तरह दुआ करें कि अल्लाह मेरी नींद में बरकत अता फरमा, तो किसी ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया है? अगर किया हो तो वो चैट में लिख के बता सकता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है।
अब रात को भी मैं खुद रात को कोई तकरीबन 2 बजे के करीब मैं सोया हूँ, 4 बजे फिर उठ गया हूँ, 2 घंटे बमुश्किल। लेकिन मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं ऐसे फ्रेश हूँ कि जैसे 6 घंटे की नींद पूरी हो, कोई तबीयत बोझिल नहीं है, कोई थकावट नहीं है, आंखों में नींद नहीं है। अल्लाह का फजल है, उसकी अता है, उसकी उसने नींद में बरकत अता कर दी है। क्यों कर दी है अल्लाह को भी पता है कि सुबह ये दरसे कुरान भी करना है, उसकी राह में निकले हुए हैं, उसका काम कर रहे हैं, और कुरान का नूर है। तो ये भी अगर किसी ने उस पे अमल किया हो, क्योंकि कोशिश करनी है हमने कि हम जो पढ़ रहे हो हमने उस पे साथ साथ अमल भी करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सुबहान अल्लाह माशाल्लाह नहीं कहना, हमने अपनी जिंदगियों को बदलना है। ये दर्स ये ऐसा नहीं है कि आप इस पे सुन लें और इस पे कोई मदा सराई हो जाए, या इस पे सुबहान अल्लाह माशाल्लाह कहा जाए, या ये हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में सुना जाए। नहीं, थोड़े सुने, ज्यादा सुने, लेकिन जितने सुने वो इसको अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीजों से वो इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करें। जो कुरान से हमें ये नूर मिल रहा है, यही बी द चेंज का मिशन है, फोकस है। बी द चेंज, चेंज बनो, नॉट स्प्रेड द चेंज। चेंज को फैलाने की बात, चेंज लाने की बात नहीं की जा रही, चेंज बनने की बात की जा रही। तब्दीली खुद बनो, पहले अपने आप में तब्दीली लेके आओ। तो अल्लाह तबारक व ताला ने नींद को हमारे लिए राहत बनाया है। नौम के जो है वो कई मानी है, उसमें एक मानी है रतब। बुखारात के दिमाग की तरफ चढ़ने की वजह से दिमाग के पट्ठों का ढीला पड़ जाना, इसको रतब कहते हैं। और यही होता है ना, जब नींद गालब आती है तो झटके लगने लग जाते हैं, आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लग जाती हैं। तो ये साइंस शायद आज तहकीक कर रही है, जबकि कुरान के अंदर और मेरे आका अलैहिस्सलाम मुबारक की हदीस के अंदर ये चीजें बहुत पहले की बता दी गई। वो बुखारात जब आपके दिमाग पे चढ़ते हैं और फिर गुनूदगी सी तारी होना शुरू हो जाती है। सूरह जुमर के अंदर आयत नंबर 42 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि अल्लाह ही रूहों को उनकी मौत के वक्त कबज कर फरमाता है, और जिनको मौत नहीं आई उनकी रूहों को नींद के वक्त कबज फरमाता है। इसीलिए मैंने पहले अर्ज किया कि नींद मौत की बहन है। नींद के वक्त जब बंदा सोया होता है वो ऐसे ही है जैसे वो फोत हो चुका है, बस सांस ले रहा होता है, इतना फर्क है। उसकी रूह अक्सर औकात उसकी रूह सोए हुए की निकल जाती है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ मुकामात की सैर करता है। किसी की रूह निकल के मदीना ही पाक चली जाती है, जो हर वक्त मदीने में ही रहना पसंद करता है। खाना काबा का तवाफ करने लग जाती है, ख्वाब में वो देखता है कि मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं। और किसी कोई ख्वाब जो है वो बुरे भी देखता है। अक्सर औकात हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हम यूं गुमान करते हैं कि शायद इससे मैं पहले कभी मिला हुआ हूं, या किसी जगह पे हम जाते हैं तो हम ये गुमान करते हैं कि शायद ये यहां मैं पहले भी कभी आया हूं,
उसकी एक वजह यह भी है कि वहां हम गए तो नहीं होते या वो या उस शख्स से हम मिले तो नहीं होते, लेकिन ख्वाब के अंदर हमने उस जगह का मुशाहिदा किया होता है या उस शख्स से हम मिले होते हैं। तो हमारे नफ्स को तो नहीं पता होता, लेकिन रूह को याद आ रहा होता है कि हाँ शायद। और इसीलिए जब रूह को ये याद आ जाए कि मैं कहाँ से आई हूँ, आलमे अरवाह का वक्त याद आ जाए, जैसे बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कुन फाया कुन जदू रब फरमाया असामी उथे हासे, कि जब रब ने फरमाया कुन फाया कुन तो हम भी उधर ही थे। वली क्यों बन गए, उन्हें याद आ गया ना कि वो वक्त भी था कोई। तो जिसे वो वक्त हकीकी मानों में याद आ जाता है, वो फिर उसका दिल दुनिया में नहीं लग रहता। कुन फाया कुन जदू रब फरमाया असी भी उथे हासे, कालू बला असी कन्नी सुनिया कोई गूंगे डोरे नासे, असल मकान ला मकान सी साडा, आलमी अरवाह से आए हैं ना वो ला मकान से, इंसान आलमे लाहूत से आया है। एक सेशन में मैंने ये शेर भी पढ़ा था इकबाल का कि ऐ तायरे लाहूती, इकबाल ने हमें मुसलमान को तायरे लाहूती कह के पुकारा है, यानी कि आलमे लाहूत में परवाज करने वाला। ऐ तायरे लाहूती उस रिजक से मौत अच्छी, जिस रिजक से आती हो परवाज में कोताही। फरमाया उस हराम या मुश्तबा रिजक से मौत अच्छी है कि जिस रिजक की वजह से तू अपनी असल मंजिल जो लाहूत है उस तक ना पहुंच सके। हर शय अपनी असल की तरफ रवा दवा है ना। तो फरमाया असल मकान ला मकान सी साडा, असा आन बुता विच फासे, हम इन जिसम को बुत कहा, नफ्स पलीत पलीत चा कीता कोई असल पलीत ते ना से, इस नफ्स ने आके गड़बड़ कर दी है, असल में तो ऐसे नहीं थे। तो जब ये याद आ गया तो उन्होंने फिर दुनिया को छोड़ दिया, दिल लग गया अल्लाह के साथ, और हर वक्त रूह तड़पने लगी, याद करने लगी अपने उस असल वक्त को। ये ऐसे ही है जैसे कोई, या इसकी आसान मिसाल अगर इस वक्त में दूं, टाइम की कमी है, कि जिस तरह एक बेटी सारी जिंदगी अपने वालदैन के घर में रहे और वो फिर अपना बचपन जवानी वहां गुजारती है, खेलती है, परवरिश उसकी वहां होती है, मानूस होती है वालदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, और फिर उसे वो घर छोड़ के तो दूसरे घर जाना पड़ता है, लेकिन उस घर के साथ उसकी एक तांग रहती है। तो बिल्कुल इसी तरह जिसको अपना वो असल घर याद आ गया हकीकी मानों में, उसका फिर दुनिया में दिल नहीं लगता, उसे याद आ जाता है, समझ आ जाती है कि ये दुनिया आरजी है, यहां तो मैं मुसाफिर हूं। आका अलैहिस्सलाम मुबारक ने भी फरमाया ये दुनिया मुसाफर खाना है, इसमें ऐसे रहो जैसे एक मुसाफर होता है कि जिसने चंद थोड़ी देर के लिए यहाँ क़याम करना है, वो फिर मुसाफर की ही तरह दुनिया में जिंदगी गुजारता है। कभी ऐसा नहीं, आपने देखा होगा कि आप कभी या खुद भी कभी किसी सफर के लिए गए हो तो घर का सारा सामान उठा के ले जाए साथ अपने, सिर्फ एक या दो बैग सामान का आप लेके जाते हैं जितनी के जरूरत है। तो फिर यहां भी मुसाफर है ना इस दुनिया में, तो यहां भी उतना सामान रखें जितना कि इधर रहने के लिए जरूरी है, इतना कुछ इकट्ठा ना कर लें
क्योंकि आप मुसाफिर हैं, तो जब सफर के दौरान आपको उठाना पड़ेगा तो मुश्किल पेश आएगी, फिर आधा सामान आपको वहीं रख के जाना पड़ेगा। तो मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारे। एक हदीसे पाक में यह भी फरमाया कि दुनिया एक दिन है, एक दिन, और हम इसमें रोजेदार हैं। सुभान। और हमारा रोजा इफ्तार होगा जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें मरने से पहले मर जाने की, मौतु कबल अंता मौतु की तौफीक अता फरमाए, और हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत अट्रैक्शन निकाल के अपनी हकीकी मोहब्बत अता फरमाए, और हमें अपने असल से जोड़ दे, जो हमारी असल है, जहाँ से हम आए हैं। आलमी अरवाह की हमें अल्लाह याद अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।